रूबिका क्यों मौन धारण कर चुकी है। पंजाब और पंजाबियत, पंजाब और पंजाबियत, शर्म आती है। बंद करिए पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करना। आपको नफरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? ये जो रडार बादलों में प्रधानमंत्री जी नहीं पकड़ पाते। जानकारी दी थी कि आप हुंकार के डिबेट शो में आ रही हैं, कॉम्पिटिशन के बारे में तो नहीं बताया। अलका जी सुनिए मेरी बात। एबीपी न्यूज के डिबेट शो में कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा मोदी जी को खरी खोटी सुनाने लगी। ऐसे में गोदी मीडिया की मशहूर एंकर रूबिका लियाकत चुप कैसे रहती, उसने भी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अलका लांबा एक बार फिर रूबिका लियाकत पर भारी पड़ी और जमकर रूबिका को सुनाया और उसकी मोदी भक्ति लाइव डिबेट में ही उतार कर रख दी। वो तो भीड़ नहीं थी भाई साहब, इन लोगों ने एक पॉलिटिकल ड्रामा करने की कोशिश की, शोभा नहीं देता है ये। अलका लांबा बिल्कुल सही कहा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है, शर्म आती है। बंद करिए पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करना। आप कौन जाने देते रूबिका, आपको सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने बहुत कायदे से आपको सुना अलका लांबा, मेरी बात सुनिए आप। देश से बड़ा, देश से बड़ा आपका दिल होना चाहिए, लेकिन वो आप कर नहीं पाएंगे, वो आप कर नहीं पाएंगे। शर्मिंदा होना चाहिए आपको, लेकिन वो आप हो नहीं पाएंगे। कभी खालिस्तानी, कभी आतंकी, कभी अराजक बताया, किसी ने उनको खालिस्तानी नहीं बोला, किसी ने आतंकी नहीं बोला। आपको नफरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, चूक हुई है ये मानना पड़ेगा। नहीं, लगातार बोलने से आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगी, तो अब आप कायदे से अपनी बात रखेंगी, मैं उम्मीद कर रही हूँ। हालांकि मेरी उम्मीद जो है वो नाजायज होगी, मुझे पता है। नहीं, हमारी भी उम्मीद आपसे नजायज है, आज तो हम देख रहे हैं कोई नहीं छोड़ी उसको। ये जो रडार बादलों में प्रधानमंत्री जी नहीं पकड़ पाते, ये प्रधानमंत्री जी फार्मूला सुनिए, जब अब रूबिका चुप नहीं कराएगी, अब रूबिका ना खुद चुप करेगी ना दूसरों को चुप कराएगी, और मेरे को कहेंगे आपसे हम उम्मीद नहीं करते। अब मैं बोल रही हूँ, क्यों बोल रहे हैं, क्यों बुलवा रही है रूबिका, रूबिका क्यों मौन धारण कर चुकी है, क्यों नहीं चुप कर आ रही है, मैं आ गई हूं आपके आईक्यू लेवल पर हंसवा रही है। अलका जी, अलका जी क्या हो गया आज आपको? बीच में आप नहीं बोली, मेरे जब बोलते ही जब आपने दूसरों को बोलवाया। अलका जी आपको किसी ने जानकारी दी थी कि आप हुंकार के डिबेट शो में आ रही हैं? आपको किसी कॉम्पिटिशन के बारे में तो नहीं बताया? अलका जी सुनिए मेरी बात, आपको ये तो नहीं बताया? मैं भाजपा के लिए नहीं, मैं हिंदुस्तान के लिए काम। पंजाब और पंजाबियत, पंजाब और पंजाबियत, पंजाब और पंजाबियत, बहन जी प्लीज, पंजाब और पंजाबियत थक गई है आपकी बात सुन सुन के।